So let's start the Xekay show. So first we're gonna introduce the prince, ROS game superstar. Thank you everyone. So, मैं आ सकता हूँ. वेलकम करता हूँ. ROS episode 8 में. आज हमारे पास बहुत मैचेस होने जा रहे हैं. और हमारे तीन मैचेस हैं आज जगह होने जा रहे हैं. और सारे मैच आप लोग के लिए सरप्राइजिंग है. अभी अभी ये वाला माइक लगे ये दो. कैन आई चेंज द माइक प्लीज. ऑन है बात करो. ओके थैंक यू थैंक यू. तो आज हमारे ROS के जो मैनेजर हैं वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसलिए मैंने रिपोर्ट की है को अरेंज करने की और मैनेज करने की. और मेरा दावा है आप लोगों से कि आज आप लोग यहाँ से एंटरटेन होकर जाएंगे. परसों इसी के साथ साथ मैं अनाउंस करना चाहूँगा Xekay को और हम अपना शो करने जा रहे हैं. और सबसे पहला जो आप यहाँ पे देखने जा रहे हैं होने वाला है द Xekay शो. I hope you guys are excited. तो तुमको आज मैं मैनेज कर रहा हूँ और मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ रिंग में इंट्रोड्यूस करने के लिए. तो Xekay को हम दावत देते हैं आने के लिए. Welcome Xekay. पब्लिक के साथ हाथ मिलाना बहुत अच्छा लग रहा है. फाइनली Xekay इस लास्ट टाइम यहाँ पे आपने अपना पहला शो किया था एंड आपका यह शो काफी अच्छा रहा था लास्ट टाइम. और आपने उन लोगों को काफी ज्यादा एंटरटेन किया और ये लोग
आपके शो से काफी ज्यादा इंप्रेस हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं आज हमारे मैनेजर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जो कि 4-5 वीक से वो अवेलेबल नहीं है और इसी वजह से मुझे यह एक्सपेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ती है शो को कवर करने की। तो आज भी इस शो को मैं हैंडल कर रहा हूँ और इसी के साथ साथ मैं ये बताता चलूं, एक्सक्यूज मी, एक मिनट मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा। कोई बात, आज जीके जो है बहुत जबरदस्त कोट पहनकर आए, मैं पूछना चाहूंगा आपने कोट कहाँ से लिया? ये तो है जीके, आपको बताना पड़ेगा ये कोट आपने कहाँ से लिया। ये मुझे लगता है 9th क्लास में इन्होंने लैब टेस्ट दिया था, ये उसका का लैब कोट है इनका, ये लैब कोट पहन के आया। देखो आप लोगों को बोलना है जीके। थैंक यू। अच्छा ठीक है, आई हो आपका गेस्ट कौन है, आपका शो है आप जानते हैं, आपको रन करना है। इसी के साथ साथ बताओ एनी फर्दर आई डू, आप अपना शो शुरू कर सकते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग जीके, जरा आप माइक से थोड़ा दूर रखिएगा ताकि आवाज जोर से बोलिएगा, करीब से बोलिएगा, जोर से बोले, हेलो ऐसे बात करना, थैंक यू। हेलो अच्छा बिरयानी सबको में सबको मिलेगी तो सबको मजा आएगा। हाँ लास्ट टाइम मेरा जब शो हुआ था तब भी मेरी कोऑपरेटर और प्रिंस ने बिल्कुल बेड़ा गरक करके रख दिया था मेरे शो का, कोई क्रेडिटिंग कोई हाजिर नहीं मिली मुझे। किसको दावत देंगे आज आप जल्दी से दावत दें, मैं चाहूंगा आप इनवाइट करें अपने शो में। पहले मैं फिर कम्युनिटी इंटरेक्टिव शो में चलती आ गई आपको मैं करा लगता है कि आर्टिक माइक नहीं है। मैं आपसे अपॉलोजाइज करना चाहूँगा, आर्टिक माइक आज बैक स्टेज पे नहीं है, या तो उनका कोई और प्लान होगा या तो वो बाकी इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो मेरा ख्याल है आपको इस चीज़ को यहाँ पे स्किप करना चाहिए और जो भी आपके नेक्स्ट गेस्ट हैं उनको आप इनवाइट करें। मेरा ख्याल से वो मेरे शो का सामना नहीं कर पा रहे थे, मेरे सवाल का नहीं कर पा रहे थे, अब ये तो आप वो जब आए तो उनके सामने ही आप ये बात बोलेगा। फिलहाल जो आपके नेक्स्ट गेस्ट है मेरे ख्याल वो यहाँ पर होंगे अवेलेबल, तो अब आप उनको बुला सकते हैं। जो भी नेक्स्ट गेस्ट है वो चावल बेच रहा है मेरे ख्याल से। Ah!
And you win
And it completes the Xekay treatment finally! आप लोगों की बहुत सारी तालियों के साथ आप लोग पीछे में थोड़ा बैठ जाएंगे आपको सही से आराम से बैठ दिखेगा सारे बच्चों लोगों से गुजारिश है थोड़ा पीछे पीछे रह जाओ पीछे पीछे रह जाओ पीछे के बैठ जाएंगे बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया रिंग से पीछे हो जाए रिंग से हट जाए थोड़ा पीछे होके बैठ जाएंगे आप लोग सबसे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज तो मैच बहुत ही एक्साइटमेंट बहुत ही अच्छा होगा कि फर्स्ट टाइम ट्रिपल थ्रेट मैच होने जा रहा है रॉस में आप भी चेकिंग कर रहे हैं Danny is मार रहे हैं दोनों मिलके आज की तरह कैश बहुत मारा बच्चे गुजारिश है कि रिंग से पीछे होके खड़े हो बच्चों रिंग से पीछे होके खड़े हो रिंग को टच बहुत अच्छा मूव मारा मिस्टर डैनी को बहुत ही दर्द हो रहा है मुझे तो लग रहा है कि जल्दी से मैच खत्म हो जाएगा क्योंकि बहुत जबरदस्त मूव डैनी को मार दिया है इन्होंने डैनी रिंग से बाहर हसीब अब तू वापस चल रहे हैं हमारे दोस्तों अपनी फौज की एक कायान ने और एक क्लोज लाइन तू हसीब एंड ओके बाद टाइम तो बहुत दर्द हो रहा है किया उन्होंने और जबरदस्त की थी और ये काउंटर करने जाए वन तो और ये टू पे कयान ने जो है काउंट कर दिया है और डैनी जो है बुरी तरीके से लगने के बाद जो है कोशिश कर रहे हैं अपने आप को रिकवर करने की ताकि जल्द से जल्द अटैक कर सके आपको क्या लगता है तीनों में से कौन विक्ट्री करेगा मुझे आज जो है कयान बहुत भारी लग रहे हैं और ये बहुत जबरदस्त नेक फ्रैक किया है इन्होंने अब देखते हैं आगे वन और ये डैनी ने दोबारा से पिन फॉल खराब कर दिया है और डैनी जो है आज बहुत जबरदस्त अपने अटायर के साथ प्रॉपर और ये नी मारा नीचे मुंह पे लगता है कयान बहुत बुरे तरीके से लगी वन और ये टू और ये हसीब जो है सबमिशन के लिए हसीब ने बहुत जबरदस्त तरीके से मैकुन को होल्ड किया हुआ है और लगता है वो रोड पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे आज ये रोड ब्रेक
No pakad liye, no break, no break. And Haseeb jo hai, is baar last match jo hai, ye haar chuke the. And ye Kion ne phir inhone pe attack kiya. And ye again neck breaker. And ye Danny ne, aur ye DDT. Ye baar hai. Ab Danny ko palla bhari hai, is time 1, 2, aur ye kick out. बहुत ही जबरदस्त दोबारा सबमिशन के लिए और ये बहुत खतरनाक नेक ब्रेकर है केयोन ने बहुत जबरदस्त तरीके से इसको पकड़ लिया है अब नहीं लगता कि डैनी जो है छुड़ा पाएंगे इसको और हसीब भी बिल्कुल इंजर्ड हुए हैं हसीब भी कोशिश कर रहे हैं अपनी उठने की कि वो मैच ना जीत जाए तो कोशिश करेंगे कि वो जीत और ये केयोन को किक मारिए और ये टर्न बगल की जानिब ले गए हैं कोशिश कर रहे हैं इनको जल्द से जल्द किक करने के लिए और ये बहुत जबरदस्त जम लगाकर अभी दोबारा ओ किक बाय कायोन बहुत जबरदस्त तरीके से कायोन ने अपना डिफेंस किया है अब क्या देखते हैं क्या होता है और ये अगेन नेक ब्रेकर रेफी हुआ और ये डैनी ने इंटरप्ट कर दिया दोबारा ये ट्रिपल थ्रेट मैच चल रहा है जिसमें कोई भी पिन कर सकता है और कोई भी जीत सकता है एक ही विनर होगा और दो लूजर होंगे बहुत जबरदस्त तालियां होनी चाहिए बहुत अच्छा तालियां लगा है बच्चों से गुजारिश है कि रिंग से पीछे हट जाए रिंग के ऊपर खड़े ना हो रिंग से पीछे हट जाए रिंग के ऊपर हाथ नहीं लगाओ पीछे हट जाओ शाबाश और ये कायोन ने अपना गलती से इसका हेड लग गया है किक के बजाय तो देखते हैं कि क्या होता है मैच जो है थोड़ा सा स्लो हो गया अभी क्योंकि तीनों जो है काफी थक गए हैं लेकिन सच पूछ रहे हैं कि आप और अभी कुछ नहीं पता चल पा रहा तब मैच 50-50 चल रहा है अभी तीनों जो है इक्वल चल रहे हैं खिलाड़ी कायोन जो कह रहे बहुत जबरदस्त और ये सुप्लेक्स की तैयारी में हसीब और ये बहुत जबरदस्त सुप्लेक्स तालियां ये चीज जो है हसीब ने बहुत जबरदस्त अगेन वन मोर आई थिंक लेकिन हसीब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और डैनी जो है अभी थक गए हैं काफी और बहुत ही जबरदस्त जो है फ्रंट पे जाके लगी है फ्रंट फॉल हुआ है और अगेन इंटरप्ट इस बार हसीब के चांसेस थे जीतने के लेकिन इंटरप्ट कर दिया कायोन ने कायोन जो के हारने के लिए रवादार नहीं है और ये नेक होल्ड कर लिए अभी लेग नहीं लगता अभी कुछ हो पाएगा और ये बहुत जबरदस्त शोल्डर पे किक लगी है जबकि इनको टारगेट नेक पे करना था लेकिन शोल्डर पे लग गई बट वेल ट्राई बहुत ही आला परफॉर्मेंस जा रही है अभी तीनों खिलाड़ी की दोबारा जो है ये अगेन नेक ब्रेकर रिवर्स कायोन का बहुत अच्छा मूव है ये सिग्नेचर 1 2 और ये किक आउट हसीब भी रवादार नहीं है और डैनी जो है वो सर पे लगने के बाद जो है वो उठ नहीं पा रहे हैं और ये रोप के लिए कायोन जो है सर रोप पे ऊपर लगता है अब ये एंड होने को जा रहा मैच बहुत क्लोज लाइन मुझे लग रहा है कि और अगेन अभी क्लोज लाइन शूटिंग डैनी पे मारेंगे एंड डैनी को भी लग गई 1 2 और एक ऊपर डैनी ने जो है वो अगेन जो है प्रिया ने 4 से 5 दफा अब ये 5वीं दफा करने जा रहे हैं तो दोनों राजी नहीं है कायोन कायोन को लगता है अपने लास्ट मूव अप्लाई करने पड़ेंगे तभी जाके जो है पिन फॉल प्रॉपर होगा और अब ये देखते हैं कि हसीब जो है अपना सिग्नेचर और ये बहुत जबरदस्त और एक किक लगाई हसीब ने और क्लोज लाइन 1
One more, I think. Yeah. Oh, Kion ne. Aur ek kick lagakar, body piche. Again kick. Now, again neck breaker. Reverse. Haseeb bahut dheere pad gaye. Haseeb ko lagta hai neck pe is baar lagi hai. Haseeb, Haseeb ki aankhein bhi nahi khul pa rahi hain. Danny uth rahe hain. Aur Danny jo hai ab lagta hai apna signature move lagane ke liye ready kar rahe hain apne aap ko. Kion जो के दोनों को balance करके चल रहे हैं आप ये देखें मैच में Kion जो है दोनों को balance करके चल रहे हैं और ये again एकदम जैसे मैं अपना बचाव किया stand वक्त पे लगने के बाद Kion थोड़े ढीले हो गए और ये fly move के लिए ready हो गए Haseeb और ये बहुत जबरदस्त जो एक तो है one two और ये again Danny ने interrupt कर दिया मेरी बच्चों से दोबारा गुजारिश है कि रिंग से पीछे हो जाएं, रिंग को हाथ नहीं लगाना है, रिंग से पीछे हो जाएं, रिंग को हाथ नहीं लगाना है, पीछे पीछे हो जाएं, और ये अगेन क्लोज लाइन, बाय डैनी, मुझे लग रहा है कि डैनी के हाथ नहीं आने वाले हैं, और ये डैनी ने Kion को भी दोबारा वही क्लोज लाइन लगाने के लिए रेडी कर रहे हैं और ये अगेन क्लोज लाइन और अच्छी क्लोज लाइन लगाई और अच्छी क्लोज लाइन लगाई है अब डैनी जो है पिनफॉल के लिए रेडी वन टू और ये अगेन Haseeb ने जो है इंटरप्ट किया मैच Haseeb के मूवी बहुत अच्छे लगे ये बिल्कुल आ रही है रोज लेके और ये बहुत जबरदस्त अपना मूव लगाया है Haseeb ने अब डैनी लगता है अब नहीं उठ सकेंगे और Kion भी ओ डबल 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 क्लोज लाइन डबल क्लोज लाइन लेकिन Kion को फिर भी इतनी नहीं लगी Haseeb को ज्यादा लगी है आप लोगों से गुजारिश है कि पीछे पीछे हो जाए रिंग को टच नहीं करना है पीछे पीछे हो जाए Kion को अपने प्रेशर को मानना चाहिए वन टू और ये किक आउट टू पे किक आउट बहुत गुस्से में आ चुके हैं Kion कि उनको अभी तक जीत क्यों नहीं मिली मुझे लग रहा है कि वो अपना फिनिशिंग मूव मारने के लिए तैयार हैं और अब ये फिनिशिंग मूव लग रहा है कि Kion जो है मैच को एंड करने के लिए रेडी हो रहे हैं और Haseeb टाइम मिस कर दिया इन्होंने और ये काउंटर अगेन अगेन और जोरदार मारा वन बाय वन चल रहा है दोनों अगेन Kion बैलेंस जबरदस्त डैनी ने आप बहुत जबरदस्त डैनी ने दोनों को बैलेंस करते हुए अपना डिफेंड किया और ये नी बहन किया आपका फेस बहुत जबरदस्त अपना इन्होंने सिग्नेचर मूव लगाया और ये अगेन बहुत ही जबरदस्त अब लगता है अपना फिनिशर को मारेंगे अब लगता है पिन फॉल के लिए इनको रेडी होना चाहिए और ये Kion को पिन कर रहे हैं रेफरी वन टू और ये अगेन किक आउट अभी समझ नहीं आ रहा है मैच जो है किसके हाथ में जा रहा है तीनों खिलाड़ी जो है बैलेंस चल रहे हैं अब Kion ने अगेन काउंटर कर दिया है और ये डैनी ने अगेन डबल डबल बहुत ही जबरदस्त डैनी और स्टैंडर्ड और हिप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और इज रेडी फॉर द F5 Oh my god, F5! Great move of Danny! Oh no! Haseeb! Oh no, 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 Haseeb ने जो है इस्तेमाल करके अपनी अकल का इस्तेमाल करके तो हरा दिया है तो हटा बहुत ही जबरदस्त हरा दिया है वो ये मैच जीत गए हैं आप लोगों की बहुत सारी तालियां Haseeb के लिए The future of ROS. और ये रेफरी को अलाउ नहीं है मारना लेकिन ये Kion ने ये क्या किया Haseeb को ओह माय गॉड Kion को बर्दाश्त नहीं हुई अपनी विनिंग अब मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि कोई मिस पैनिक ना करें हमारे रेफरी को टीम कवर करना पड़ेगी जीके से मेरी गुजारिश है कि रेफरी को लेके जाया जाए और अब दोनों जीके प्लीज इनको और ये नाउ F5 अभी
Again, there's five. और ये दोनों जो खिलाड़ी एक तरफ हो गए, कयान को एक तरफ कर दिया, बहुत ही जबरदस्त, दोनों एक हो गए और असर कर लिया उन्होंने। लेकिन ओह माय गॉड, ये बार Xekay ने भी अपना जो डीडीटी लगा दिया है, Xekay इस रिंग में उतर गया, बहुत ही आला। Xekay ने ROS के ऑफिसर रेफरी को बहुत ही तरीके से कवर किया है इन्होंने Xekay ने, और कयान का बहुत बुरा हाल हो गया, और कयान जो है फिर भी पिटने के बाद भी